हेलो गाइस, आज मिलवाते हैं आपको अपनी भांजी से। ये मेरी भांजी है, ये 2-3 दिन की छुट्टियों के लिए, छुट्टियां हुई हैं स्कूल में, तो ये आई हुई है हमारे घर पे। तो उसने बोला मामी बाल कर्ल करने हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मेरा कलर चार्ज नहीं था, तो मैंने बोला पहले इसको चार्ज करते हैं उसके बाद तुम्हारे बाल कर्ल करते हैं। आपको एक बात बता दूँ, ये मेरे पास जो मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, तो मेरे घर की व्लॉगिंग बहुत कम हो पाया करेगी। वो इसलिए हो पाया करेगी क्योंकि मेरा छोटा सा घर है, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो काफ़ी सारे व्लॉगिंग करने का टाइम, मतलब व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा एरिया नहीं है। तो इसलिए इस व्लॉग में आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस बहुत मिलेंगी। इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मिलेगी और सारे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और मेरे कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी कमेंट्स करके बताना। दिवाली आ रही है तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। अब इसमें कई लोग बोलेंगे भाई आपने ऑनलाइन क्यों की, ऑफलाइन क्यों की, तो भाई हम लोग घर से, कुछ बहू बेटियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जो रोज़ रोज़ घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। मैं ससुराल में रहती हूँ तो रोज़ रोज़ घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ, और कुछ प्रोडक्ट की नीड होती है तो ऑफकोर्स हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट हमारे ऑफलाइन अवेलेबल होते भी नहीं है। तो ये मैंने कंटेनर मंगाया था, कंटेनर बहुत अच्छा था, इसको हैंग करके भी हम लग सकते थे। इसमें 6 खाने थे जिसमें हम दाल चावल, मतलब 6 चीज़ कुछ भी डाल सकते हैं, दाल चावल वगैरह, और बस बटन प्रेस करना है और दाल इसमें जो इसके साथ ब्रैकेट था उसमें आ जाया करेगी, मतलब बास्केट में आ जाया करेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आप मीशो पे सर्च करके आप मतलब मंगा सकते हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट का लिंक चाहिए या फिर क्या बोलते हैं आप, मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको लिख के बता दूंगी। मतलब आपको कुछ नहीं डालना, 6 6 in 1 कंटेनर डालना है, आपका ये कंटेनर आपको मीशो पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर ये मैंने डोर के लिए मंगाया था क्योंकि मेरे ना कुछ सामान रखने के स्पेस नहीं होता, तो मैंने सोचा ये सही है, इसको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें हम छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसे कि कुछ होता है ना बच्चों को खाना होता है और बार बार किचन में नहीं जाया जाता, तो हाँ हम इसमें रख सकते हैं थोड़ा बहुत आइटम। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये भी क्वालिटी में बहुत अच्छा था। फिर मैंने एक और चीज़ मंगाई, और मैं आपको बता दूँ यार प्लीज़ कोई भी ऐसे कमेंट्स मत करना इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है, क्योंकि दिवाली है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये सारी शॉपिंग मेरी अंडर 2000 है, मतलब 2000 के अंदर ही है पूरी शॉपिंग, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मीशो पे बहुत सस्ता सस्ता आइटम मिल जाता है, तो मैंने सेल में मंगा लिया था। तो ये 2 in 1 कंटेनर है, क्योंकि इस टाइप के कंटेनर मेरे यहाँ पहले से ही थे, तो मैंने बोला 2 का सेट और मंगा लूँ तो पूरे ही हो जाएंगे ना, 4 5 6 के सेट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे हैं सच्ची में, यूज़ करके मज़ा ही आ जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। और प्लीज़, और हाँ मैं व्लॉग के बारे में जैसे कि आपको बताऊं कि मेरा छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, श्याम बाबा चाहेंगे तो किसी दिन बहुत बड़ा घर भी बनाएंगे, ऑफकोर्स बनाएंगे, व्लॉगिंग भी करेंगे। तो छोटा सा घर है, एरिया कम है, और मम्मी पापा व्लॉग में आते नहीं हैं, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी अपने काम से चले जाते हैं, तो फिर व्लॉगिंग का ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो इसीलिए मैं अनबॉक्सिंग वीडियो जो होती है ना वो अपना स्टैंड लगा के बना लेती हूँ, और अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं अपनी आवाज़ डाल के आपको एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर देती हूँ। जितना हो सकेगा उतना व्लॉग शेयर करेंगे, आप बस व्लॉग को सपोर्ट करते रहिए, व्लॉग को देखते रहिए। अगर ये व्लॉग मेरे अच्छे चले तो ऑफकोर्स मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस का व्लॉगिंग आपके साथ शेयर करने लगूंगी, भले मेरे पैसे खर्च होंगे, लेकिन हाँ प्रोडक्ट मैं मंगाती रहूँगी और आपके साथ अनबॉक्सिंग वीडियोस शेयर करती रहूँगी, लेकिन व्लॉग मेरा अच्छा जाना चाहिए भाई। तो ये वाले 4 कंटेनर मैंने और मंगा लिए, ये एयर टाइट कंटेनर है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे कंटेनर है। तो मैंने बोला कि पूरा 8 का सेट हो जाएगा, तो 4 का मैंने और मंगा लिया था, प्राइस भी बहुत है, 250 रुपये में 4 मिल रहे थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, मुझे इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये सारे कंटेनर मुझे लगे, तो आप मंगा सकते हो। हाँ ये वाला जो स्टैंड मैं ओपन कर रही हूँ ये मेरे को सबसे घटिया लगा, इसकी क्वालिटी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, प्लास्टिक की थी तो मुझे पसंद नहीं आया, ऊपर से इसको मतलब एडजस्ट करने में, सॉरी असेंबल करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मुझे ये पसंद नहीं आया। मेरे यहाँ पहले से ही एक स्टील का है, दोनों के प्राइस, प्लास्टिक वाले के भी 300 रुपये का था और जो स्टील का है वो भी कुछ 300 रुपये का था, तो ये मेरे यहाँ जो स्टील वाला है इसकी क्वालिटी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया प्लास्टिक वाले को, ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने इसको हटा दिया। फिर मैंने कहा बेडशीट मंगाई एक मैंने, और इस बेडशीट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 400 रुपये में इतनी प्यारी बेडशीट मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये दिवाली पर कोई गेस्ट वगैरह आएगा, कोई आएगा तो ऑफकोर्स अच्छी बेडशीट होनी चाहिए जो एकदम लुक, रूम का लुक क्रिएट कर दे। तो ये कलर वाइज हर चीज़ में ये बेडशीट बहुत अच्छी थी, इसमें प्यारे प्यारे
छोटे से दो पिलो मिल रहे थे, दो पिलो कवर मिल रहे थे। आप देख सकते हो बेडशीट बहुत अच्छी है। मीशो पे अगर आप सर्च करोगे ना तो ये बेडशीट 4 स्टार है, तो सबसे पहले यही आएगी। अगर आप बेडशीट डालोगे ना कॉटन बेडशीट, तो सबसे पहले यही वाली बेडशीट आएगी। और उसके बाद मैंने ये वाला स्टैंड मंगाया, ये वाला स्टैंड भी मेरे को डिसअपॉइंटेड कर गया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला स्टैंड भी, तो इसको भी मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि जिस तरह से ना फोटो में दिखा रहे थे उतना बड़ा आया नहीं था। और लेकिन क्वालिटी अच्छी थी इसकी, जो इसका मतलब आयरन का था, पूरा लोहे का था, तो क्वालिटी अच्छी थी, मजबूत था, बहुत अच्छा था। असेंबल करने में भी दिक्कत नहीं थी, बस इसको ऐसे करके खोलना था और असेंबल कर देना। ये छोटे मोटे प्रोडक्ट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरी किचन में बहुत छोटा सा था, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रख सकते, तो इसीलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया। लेकिन हाँ, अच्छा था, अगर किसी को छोटा मोटा सामान रखना है तो ये मंगा सकते हो। फिर आज मेरे घर पर बनने वाली थी टिक्की, तो मैंने बोला टिक्की बनने वाली है तो क्यों ना इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी आज ही कर देते हैं। तो आज मैंने काटे बहुत सारे प्याज टमाटर, और ये सच्ची बता रही हूँ बहुत ही अच्छा था। थोड़ी बहुत दिक्कत आई इसको पहले एडजस्ट करने, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, फिर जैसे ही जब ये चलना स्टार्ट हुआ तो सच्ची बता रही हूँ बहुत ही अच्छा था। और इसमें प्याज टमाटर इतने बारीक कटे कि अगर आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, बहुत जल्दी करना है, तो आप इसको मंगा सकते हो। फिर जब मैंने इसको एडजस्ट किया, इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी। हाँ, अब ये चलने लगा, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। इसमें प्याज बिल्कुल बारीक कटे, टमाटर बिल्कुल बारीक कटे। तो टिक्की की पार्टी होने वाली है तो बहुत सारे प्याज टमाटर तो कटने हैं, क्योंकि बताया आपको पहले मेरी ननद आई हुई है, दी बच्चे आए हुए हैं, तो उनको खानी थी टिक्की टमाटर, मतलब टिक्की खानी थी, तो मैंने बोला लाओ सारे प्याज टमाटर मैं काट देती हूँ, इससे आपको रिव्यू भी। और 150 रुपये में इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली बाय कर लेना चाहिए। मीशो पे सारे प्रोडक्ट के नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा। और मैं इसीलिए लिंक शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लिंक शेयर करूँगी तो ऑफकोर्स आप लोग के एक ही कमेंट्स होंगे, आपको कमीशन होगा। इसीलिए मैं किसी भी प्रोडक्ट की लिंक शेयर नहीं कर रही हूँ, आप डायरेक्ट सर्च करके मंगा सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया। फिर उसके बाद हमारे घर में बन गई टिक्की, और टिक्की देखो भाई कितनी बढ़िया टिक्की बनी हुई है। फिर उसके बाद पतिदेव आराम से बैठ गए, बोलने लगे मुझे व्लॉग में मत लिया कर, लेकिन मेरी आदत है पतिदेव को व्लॉग में लेने की। फिर अपने लड्डू गोपाल को टिक्की का भोग लगाया, इसमें प्याज नहीं पड़ी हुई है, पहले ही बता दूँ, बिना प्याज की टिक्की बनी हुई है मेरे लाला के लिए। और उसके बाद मेरे पतिदेव और देवर जी की बात है, रिव्यू शेयर करें। मुझे ये भगवान कसम कोई तुमसे कहे कालू जब पाए देगी भगवान करिया भुज जा रहे हैं तैया काले कपड़ा, पर मैं जो डबिंग करूंगी तुम टेंशन मत लो, तुमसे बोल रही हूँ वीडियो में आएगा नहीं। तो अब क्या है रहा है रहा है रहा है भैया है रहा है मैं ही कसम मैं बाबा मैं वहां सही था तुम बिजपति हो नहीं नहीं बताओ तो मेरी कसम बताओ हिंट तो दे दो पर बिचपति हो जी बता बिचपति हो मारू पड़ेगी अगर बिचपति बने तो यहाँ पे बिचपति गिरी कोई करना पा रहा है मोदी पर तुमसे इतने कार्य तो ब्याह करेगो को अरे यार फिर क्या मजा ही क्या आएगा फिर ऐसे इतनी फनी दीदी की टिक्की बनना स्टार्ट हो रही है देखें क्या ही बनेगा इसमें टिक्की में डाला क्या प्याज टमाटर पहले दही दही अच्छा ये टिक्की सिक रही है ना ये टिक्की सिक रही है दही डाला फिर दही है फिर हरी मिर्ची चटनी ये मटर और इतनी उस्ताद है मटर इन्होंने तुरंत के तुरंत ही तैयार करी है। लोग रात में मटर को भिगोते हैं पर इन्होंने रात में नहीं भिगोया इन्होंने अभी 10 मिनट पहले क्या करके दीदी कर ली थी सोडा डाल के गरम कर ली भाई दी शर्मा रही है धीरे बोल रही है ये देखो भाई टिक्की में मजा ही आ गया देखने में क्या हा ये वाह टिक्की हो गई तैयार स्पेशल है ना लाओ स्पेशल टिक्की दीदी की ये देखो टिक्की का नजारा हाँ
और फिर बच्चों ने खाई टिक्की और सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना। ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो और थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। बस इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और लाइक शेयर कमेंट्स करना। टाटा बाय बाय।